कि शख्सियत का मेरी और क्या इम्तिहान लोगे, हम तेरी कहानियां सुना के दुनिया में कामयाबी के मकाम तक जा पहुंचे। मुझे देख के ये उंगली दांतों तले दबाया ना करो, मुझे देख के ये उंगली दांतों तले दबाया ना करो, मुझे देख के यूं हर रोज मुस्कुराया ना करो। मैं बहक जाता हूं तेरे जिस्म की खुशबू से, मैं बहक जाता हूं तेरे जिस्म की खुशबू से, जब मेरी बीवी साथ हो तो पास से गुजर के जाया ना करो। कि जंग के दौर में आओ गुफ्तगू कर लें, बहुत मतलब कि ब्रांडिंग बहुत हो रही है, हैशटैग बहुत जा रहे हैं। कि जंग के दौर में आओ गुफ्तगू कर लें, तुम नाराज हो आओ बैठ के गुफ्तगू कर लें। जंग के दौर में आओ गुफ्तगू कर लें, तुम नाराज हो आओ गुफ्तगू कर लें, वो सारे गिले जायज हो भले, वो शिकायतें जायज हो भले, मिटा दूंगा सारी कैफियत तेरी, आओ बैठ के गुफ्तगू कर लें। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, बस दो चार शेर सुनाऊंगा, एक थोड़ा सा एक अपनी पोएट्री सुनाऊंगा, चला जाऊंगा, ठीक है। तो लिखा है कि गर ये जहर है तो इसे बनाता कौन है, गर ये जहर है तो इसे बनाता कौन है, हराम है मैं कसी तो ये दुकानें सजाता कौन है। गर ये जहर है तो इसे बनाता कौन है, हराम है मैं कसी तो इसे सजाता कौन है, इन दुकानों को सजाता कौन है, कि हाजी फकीर मंदिर के पुजारी सब मना करते हैं, हाजी फकीर मंदिर के पुजारी सब मना करते हैं, तो साकी तेरे दर पे इतनी इबादत करता कौन है। तो अब एक छोटा सा लिखा है, बड़ी हिम्मत की है पहली बार कुछ लिखने की, मैं सब सुना रहे हैं तो हम भी सुना दें, कि तुमसे बेहतर ढूंढने में हम तुम पर ही जा पहुंचे, तुमसे बेहतर ढूंढने में हम तुम पर ही जा पहुंचे। यहां एक वर्ड आएगा बयार, बयार मतलब होता है हवा, ठीक है, कि तुमसे बेहतर ढूंढने में हम तुम पर ही जा पहुंचे, बयारे इश्क यूं चली कि हम तेरी यादों में जा उलझे। कि शख्सियत का मेरी और क्या इम्तिहान लोगे, कि शख्सियत का मेरी और क्या इम्तिहान लोगे, हम तेरी कहानियां सुना के दुनिया में कामयाबी के मकाम तक जा पहुंचे। कि लुटा दिल दर्द और तेरा ना होना, लुटा दिल दर्द और तेरा ना होना सब सुनाएंगे, वो दास्तां लिखूंगा मैं जिसे सब सुनाएंगे। कि लुटा दिल दर्द और तेरा ना होना सब सुनाएंगे, वो दास्तां लिखूंगा मैं जिसे सब सुनाएंगे, ये किताबें ये किस्से ये तेरे चेहरे से सजी जिल्द, जिल्द मतलब कवर, ठीक है, ये किताबें ये किस्से ये तेरे चेहरे से सजी जिल्द, वो हमारे फसाने हैं जो सरे बाजार जा पहुंचे। आखिरी उसका मकता पेश कर रहा हूं कि रकीब मिलता है जब कभी महफिल में तो पूछ लेता हूं, रकीब मिलता है जब कभी महफिल में तो पूछ लेता हूं, क्या वो डर के अब भी रात में तेरे हाथों को थाम लेता है। रकीब मिलता है महफिल में तो पूछ लेता हूं कि क्या वो डर के आज भी रातों में तेरे हाथ को थाम लेता है। मैं उसकी हर एक फितरत से वाकिफ हूं, खैर छोड़ो अब तुम बताओ तुम कहां तक पहुंचे। शुक्रिया।